माननीय अध्यक्ष जी, खंड एक, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कार्य करने वाले पंजीकृत संगठनों का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो, मजदूर संगठन द्वारा भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीयन कराने अथवा डायरियां बनाने में की जा रही अनियमितता वसूली की कोई शिकायत मंडल को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के संबंध में पुख्ता शिकायत प्राप्त होने पर दोषी विभागीय कर्मचारी अथवा संगठन के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंड तीन, मंडल में पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क एवं अंशदान राशि जमा करने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क ₹25 प्रति श्रमिक है एवं अंशदान राशि ₹1 प्रति माह की दर से 5 वर्ष की एकमुश्त राशि ₹60 ली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले विशेष नए मजदूरों के साथ दुर्घटना होने पर विशेष मुआवजा बीमा या अन्य योजना लागू करना चाहती है या नहीं। दूसरा मेरा ये है कि क्या ये सही है कि समस्त विभागों में ठेके से या एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों का भुगतान विभाग से। माननीय सदस्य, प्रश्न अपन दूसरा पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछा उसी का सप्लीमेंट्री पूछो। यही है सर, जो प्रश्न पूछा उसका सप्लीमेंट्री पूछो। सर ये ठेका प्रथा सरकार समाप्त करके अपने पास रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? ये सवाल ही नहीं है न ठेका प्रथा है, सवाल प्रश्न है श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रमिक अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो एजेंसी को ठेका दिया जाता है वो अपनी राशि लेने के बाद आधी राशि श्रमिकों को भुगतान करते हैं, आधी राशि अपने पास रख लेते हैं, श्रमिक को कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत हो जांच करवा लेंगे। माननीय मंत्री जी, उनका जो प्रश्न है उसका सीधा है, असंगठित मजदूर जो है वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन का आदमी है, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको अधिकारी के बारे में जानकारी नहीं है। क्या आप विभाग, ये जो संगठन है जो जिस तरह रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करके उसमें इम्प्रूव करने का काम करेंगे? टोटल जितने संगठन है करीब 550 के आसपास ट्रेड यूनियन है, और बाकायदा ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना हुआ है भारत सरकार का बना हुआ है, उसमें 1926 का बना हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, शिकायत प्राप्त होने पर ही जाँच कर सकते हैं या निरस्त करने का पावर सिर्फ गलत तथ्य अगर पेश किए रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं, बाकी सीधा हस्तक्षेप का पावर नहीं है। अगला प्रश्न।